ये हो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला था प्लॉट द पॉइंट पी -6.2। ओके, ये आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया, इसको बस गोला मार देना। एंड फ्रॉम इट ड्रॉ पी एम एंड पी एन एज परपेंडिकुलर। ओके, तो तुम्हें पी एम और पी एन को एज अ परपेंडिकुलर बनाना है ऑन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, यानी कि पी से लेकर एम, पी एम ये जाएगा एक्स एक्सेस पर और पी एन ये जाएगा तुम्हारे वाई एक्सेस पर। तो ये हो गया पी एम, यहाँ एक परपेंडिकुलर जो कि तुमने ड्रॉ ही नहीं किया है, पी एन ये एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ऐसा करना है। और उसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम एंड एन, तो इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें लिखने हैं। तो अब दिख रहा है कि ये टू पर आके टच हुआ है, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0.2, और ये कहाँ पे आके टच हुआ है -6 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -6.0। अगेन यहाँ पे स्केल मिसिंग है, स्केल के साथ साथ यहाँ पे जो मार्किंग करते हैं ये भी मिसिंग है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 24। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो है तुम लोगों का 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन, और अभी चौथी वाली ढूंढनी है। ओके, स्केल अगेन मिसिंग, तो इसमें तुमने पहले 4.0 किया, फिर 4.-3.-2 और -2.7, 3.0, तो ठीक है 4.7 के बाद ज्वाइन किए हो, ठीक है, सही है ना। 42, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 और 3। अच्छा, ये वाला तो मैंने इलस्ट्रेशन करवाया है ना, इसके जैसा ही करवाया है। वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आपकी ओरिजिन पे है, ओके, वन द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टेक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, सही है वाला चीज़, स्केल लिख लेना बस। और अगेन थोड़ा क्लियर लिखा करो, 43 है शायद ये, आपको a 1.-1, अच्छा ये प्लॉट करना है, इसको तो -1 दिख रहा है, ये 1.-1, फिर एंड b 4.5, ये प्लॉट करना था, ऐसा गोला किया करो, दिखना चाहिए कि वो पॉइंट कहाँ पर है करके, ठीक है। और उसके बाद बोला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके तुम्हें पॉइंट लिखने थे। एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द विच आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। अच्छा, तो आउटसाइड द लाइन सेगमेंट में तुमने 5.7 लिखा है और इसको 3.3 लिखा है, तो इसी चीज़ को ना स्टेटमेंट बनाकर ना नीचे आंसर करके भी लिखना, ठीक है, सिर्फ ग्राफ पेपर पे नहीं करना, उसको स्टेटमेंट बनाकर भी लिखना। देयरफॉर द पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इज इतना एंड विथ इन द लाइन सेगमेंट ए बी इज इतना, ठीक है। फिर तीन पॉइंट्स में प्लॉट करने को कहे गए, 0.-3 किधर है, ये कहाँ प्लॉट किए हो, ये मार्क करते हैं ऐसा, मैंने वीडियो के वक्त सिखाते वक्त भी चीज बोली है कि इसको मार्क करो, हाँ मार्किंग ही नहीं, और वहाँ पे लिखो ना p0.-3, जहाँ है वहाँ लिखो, ये लंका में लिख के रखे हो। फिर नेक्स्ट 0.3, अच्छा ये ऊपर में यहाँ, उसके बाद 6.3 ये यहाँ पे, ओके। सो अभी तुम्हें बताना है कि s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चलो ठीक है सही है, s का कोऑर्डिनेट 6.-3 होगा। तो अभी जो तुमने निकाला है उसको अपना स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए स्क्वायर करके, ठीक है, और उसके बाद लिखोगे कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस इज करके इतना। अगर कोई सवाल बच गया है तो उसे अटेम्प्ट कर लो आज के दिन, और अगर कोई गलत हो गया है